अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो इन द लास्ट क्लास वी हैव कंप्लीटेड अ टॉपिक दैट इज सजेशंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, सो व्हाट आर द डिफरेंट सजेशंस, व्हाट आर द डिफरेंट मेजर्स फ्रॉम विच वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो इन विच वी हैव स्टडीड द फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन द ग्रोथ रेट ऑफ GDP। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट वी हैव टू डू इंक्रीज इन ग्रोथ रेट ऑफ GDP बाई प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट वन इज पॉपुलेशन कंट्रोल। थर्ड इज डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर। फोर्थ इज एजुकेशनल सेक्टर रिफॉर्म। फिफ्थ वन इज फाइनेंशियल हेल्प टू सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। And sixth one is infrastructural development, and seventh one is implementation of the employment program. So in the last class we have already discussed all these topics, as well as we also started a last topic of this chapter, that is government policies and programs in the employment generation. So what are the different policies and programs which is launched by the government in employment generation? So it is classified into two categories, that is direct efforts and the indirect efforts. In the direct efforts, directly government kya karti hai, koi bhi jitne bhi various departments hain unme kya karti hai, different number of worker ko education job provide karti hai. Kaise ki डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज़ हैं, होटल्स हैं, स्कूल्स हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनी है, तो ये सब में क्या है, एक जॉब ऑफर करती है लोगों को और वो लोग वहाँ पे एम्प्लॉयड होते हैं, एज वेल एज द पर्सन आल्सो वर्किंग इन दी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज आर दी सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट विच इज़ प्रोवाइडेड बाई दी गवर्नमेंट। ये सारे क्या है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है जो गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोवाइड करती है। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज़ इनडायरेक्ट एफर्ट। इनडायरेक्ट एफर्ट्स व्हेन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज इंक्रीज, देन प्राइवेट इंटरप्राइजेज विच प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज विल ऑल्सो बी एबल टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाई देम। इसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाई गवर्नमेंट इंटरप्राइज इंक्रीज होता है जब गवर्नमेंट का डायरेक्ट एफर्ट से गवर्नमेंट का जो प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज का वो जब इंक्रीज़ होता है, तो प्राइवेट इंटरप्राइजेज जो गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं, तो उनका भी क्या है, उनका भी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है, एंड जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं डिफरेंट गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज को, सो इट विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द प्राइवेट सेक्टर टू। इससे क्या हो रहा है कि अब ज़्यादा प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर को करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी डिमांड कौन कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर कर रहा है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर भी अब क्या करेगा कि मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होगी इन दी प्राइवेट सेक्टर में, इंक्रीज़ इन देयर सेल्स एंड आउटपुट, और इससे उनका क्या होगा कि सेल्स एज वेल एज आउटपुट भी इंक्रीज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन अ गवर्नमेंट ओन स्टील कंपनी इंक्रीजेज इट्स आउटपुट, ठीक है, गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट की ओन्ड, गवर्नमेंट की स्टील कंपनी है, इसका आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, सो इट विल इंक्रीज इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन प्राइवेट कंपनीज ऑल्सो, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि इससे क्या हो रहा है कि प्राइवेट सेक्टर के भी जो है आउटपुट में इंक्रीज़ हो रहा है, एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज़ हो रही है, विच परचेज स्टील फ्रॉम दी गवर्नमेंट कंपनी, जो वो स्टील कंपनी क्या है, गवर्नमेंट कंपनी से परचेज करती है प्राइवेट सेक्टर। सो ये क्या है, डायरेक्टली एफर्ट्स में डायरेक्टली गवर्नमेंट इनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी, और जब इनका एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज़ होगा, तो जो भी प्राइवेट इंटरप्राइजेज डिफरेंट रॉ मटेरियल्स को, इनपुट्स को प्रोड्यूस करती हैं, तो उनका भी प्रोडक्शन और सेल्स क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ओके, सो दीज ऑल आर दी डायरेक्ट एंड दी इनडायरेक्ट एफर्ट्स ऑफ दी गवर्नमेंट। ओके, सो देर आर सम स्पेशल मेजर्स अंडरटेकन बाई दी गवर्नमेंट टू सॉल्व दी अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, गवर्नमेंट हैज़ टेकन दी स्पेशल मेजर्स, गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ स्पेशल मेजर्स को अंडरटेक करती है टू सॉल्व दी अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जो भी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है
उसको क्या करना है, सॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, स्पेशल मेजर को लेती है. सो मैनी प्रोग्राम डैट द गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड एट एम्ड एट एलिविएटिंग पॉवर्टी थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. दैट इज़ वाई देर आर ऑल्सो नोन एज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स. ऑल दीज प्रोग्राम एम एट प्रोवाइडिंग नॉट ओनली एम्प्लॉयमेंट बट ऑल्सो सर्विसेज इन एरिया सच एज प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, न्यूट्रीशंस, असिस्टेंस फॉर पीपल टू बाय इनकम. देखो मैनी प्रोग्राम्स, ठीक है, जो गवर्नमेंट क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एलिविएटिंग पॉवर्टी जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बहुत सारे प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, ठीक है. गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड, एम एट जो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है डिफरेंट प्रोग्राम्स का, उसका एम क्या है कि एलिविएटिंग पॉवर्टी, पॉवर्टी को क्या करना, रिमूव करना थ्रू दी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके वो पॉवर्टी को एलिविएट करना चाहती है. डैट इज़ वाई दीज आर ऑल्सो नोन एज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है, इसीलिए इसको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स भी कहते हैं. सो ऑल दीज प्रोग्राम्स एम्ड एट प्रोवाइडिंग नॉट ओनली एम्प्लॉयमेंट बट ऑल्सो सर्विसेज इन एरिया सच एज प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, न्यूट्रीशन, असिस्टेंस फॉर पीपल, ठीक है. ये जो प्रोग्राम्स हैं ये बस एम्प्लॉयमेंट ही नहीं प्रोवाइड करती हैं, और क्या करती हैं, और सम सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि उनमें प्राइमरी हेल्थ की लोगों को फैसिलिटीज़ मिलेगी, दे कैन ईजली टेक द प्राइमरी एजुकेशन, न्यूट्रीशंस मिलेंगे, असिस्टेंस मिलेगा पीपल को टू बाय, असिस्टेंस फॉर पीपल टू बाय इनकम, वो डिफरेंट इनकम से क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कॉमोडिटीज़ को परचेस कर सकते हैं. एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग असेट्स, ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले असेट्स हैं वो भी इंक्रीज होंगे. डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी भी, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी असेट्स, ठीक है, कम्युनिटी के जो असेट्स हैं वो भी इंक्रीज होंगे बाय जनरेटिंग दी वेज एम्प्लॉयमेंट, लोगों को वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा के. कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड सैनिटेशन, गवर्नमेंट क्या करती है, हाउस भी बनवाती है, जैसे आपने सुना होगा आवास विकास योजना करके है. ये सारे जो रूरल पीपल्स होते हैं, जो लो फैमिली के यहाँ होते हैं, लो इनकम फैमिली वाले, उनको गवर्नमेंट क्या करती है, हाउस भी प्रोवाइड करती है फॉर देयर लिविंग, कि वो वहाँ पे रह सके, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, हाउस भी प्रोवाइड करती है. सैनिटेशन फैसिलिटी भी होती है, कंस्ट्रक्टिंग हाउस हेल्प भी प्रोवाइड करती है जब हाउस कंस्ट्रक्ट होते हैं. लेइंग ऑफ रूरल रोड, रूरल रोड्स भी बनवाती है. डेवलपमेंट ऑफ वेस्ट लैंड एंड डिग्रेडेड लैंड्स, ठीक है, जो भी वेस्ट लैंड है जिनका यूज़ नहीं हो रहा है, जो और जो लैंड का डिग्रेडेशन हो गया है, उनमें भी क्या करती है, डेवलपमेंट कराती है, और एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ द डिग्रेडेड लैंड्स एक्सेट्रा. तो ये सारे काम क्या है, गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं. अब इन्हीं सारे काम में गवर्नमेंट क्या करती है, डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है, ठीक है. सो फॉलोइंग आर द स्पेसिफिक प्रोग्राम्स एमिंग एट जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है. ये सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसका मेन मोटिव क्या है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना. ओके, सो फर्स्ट वन इज रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, दिस इज कॉल्ड REGP, REGP इन शॉर्ट, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. इट इज़ द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. आई थिंक नाउ यू आर अंडरस्टैंड व्हाट इज़ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट इज़ वेज एम्प्लॉयमेंट. ओके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि सिंपली कोई इंडिविजुअल क्या है, अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, मीन्स सेल्फ को एम्प्लॉयड करता है. वेज एम्प्लॉयमेंट मीन जो किसी और के अंडर काम करता है, वहाँ से उसको वेजेस मिलती हैं. ओके, सो दिस प्रोग्राम एम एट क्रिएटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन अर्बन एरिया. ये अर्बन एरियाज़ में होता है ना, कि इसमें क्या है, एम क्या है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना अर्बन एरिया में. इट वॉज इम्प्लीमेंटेड बाई द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन. ये किसके थ्रू इम्प्लीमेंट हुआ है, जो डिफरेंट कमीशन्स होती है, जो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज़ की बात करते हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो उसी में से एक डिपार्टमेंट है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन्स. तो जिसमें क्या है, इट वॉज इम्प्लीमेंटेड, ये किसके थ्रू इम्प्लीमेंट हुआ है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन. अंडर दिस प्रोग्राम
वन कैन गेट फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ बैंक लोन। ठीक है, इसमें इस प्रोग्राम में क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस उसको मिलती है, फाइनेंशियल हेल्प मिलती है इन द फॉर्म ऑफ बैंक लोन। बैंक उसको लोन प्रोवाइड करता है टू सेटअप द स्मॉल इंडस्ट्रीज डैट जनरेट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वो अपनी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को क्या कर सकता है, सेट करेगा टू डैट जनरेट एम्प्लॉयमेंट। इससे भी क्या होगा, डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अब यही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट करता है और डिफरेंट वर्कर्स को रखेगा, ये सारे वर्कर्स भी क्या होंगे, एम्प्लॉयड होंगे। ओके, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये सेल्फ एम्प्लॉयड हुआ और यहाँ पे सब वेज एम्प्लॉयमेंट हुआ, वेज एम्प्लॉयड हुआ। ठीक है, तो एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो करने से उसने एक अपनी इंडस्ट्री को सेटअप किया जिसके थ्रू डिफरेंट इंडिविजुअल भी क्या हुए, एम्प्लॉयमेंट उनकी जनरेट हुई। ओके, नेक्स्ट वन इज एज वी ऑलरेडी डिस्कस ऑल दिस पॉइंट इन दी पॉवर्टी एलिविएशन। ओके, आई थिंक यू रिमेंबर। सो सेकेंड वन इज़ प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, दिस इज़ कॉल्ड PMRY। ओके, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, इट इज़ द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड फ्रॉम लो इनकम फैमिली इन रूरल एंड अर्बन एरियाज कैन गेट फाइनेंशियल हेल्प टू सेटअप एन एंटरप्राइजेज डैट जनरेट एम्प्लॉयमेंट अंडर PMRY। इट जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट इन बाई सेटिंग अप 7 lakh माइक्रो इंटरप्राइजेज ड्यूरिंग द 8th प्लान बाई 2003 to 5। 3.5 million got employment under the scheme PMRY। ओके, इसमें क्या हुआ कि दो एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड थे, मतलब जो जिनके पास एजुकेशन थी बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू गेट दी जॉब, तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड फ्रॉम दी लो इनकम फैमिली, जिनकी फैमिलीज़ में उनकी इनकम क्या थी, लो थी, एंड अर्बन एरियाज़, और अर्बन एरियाज़ में जो भी लो इनकम वाले थे, वेदर दे आर फ्रॉम दी रूरल एरिया और दी अर्बन एरिया, कैन गेट फाइनेंशियल हेल्प टू सेटअप एन इंटरप्राइजेस, कि उन्हें क्या था, एक फाइनेंशियल हेल्प गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड की जाती थी टू सेटअप एन इंटरप्राइजेस, कि वो इंटरप्राइज को क्या करे, सेटअप करे डैट जनरेट एम्प्लॉयमेंट, वो क्या करे, वो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करे अंडर दी प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। ओके, वो क्या करेगी, फाइनेंशियल हेल्प गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड होगी कि वो एक इंटरप्राइज को सेटअप करे डैट जनरेट एम्प्लॉयमेंट, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा अंडर दी प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। इट जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट बाई सेटिंग अप 7 lakh माइक्रो इंटरप्राइजेज। ये कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, कि इसके थ्रू, मतलब ये जो इस योजना के अंदर 7 lakh माइक्रो इंटरप्राइजेज क्या हुई, सेटअप हुई। ठीक है, ड्यूरिंग द 8th प्लान में, जब फाइनेंशियल जो प्लानिंग कमीशन का 8th प्लान था, उस 8th प्लान में क्या हुआ, 7 lakh माइक्रो इंटरप्राइजेस क्या थी, वो सेटअप हुई, और उन 7 lakh माइक्रो इंटरप्राइजेस के सेटअप होने से डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट हुई, और बाय 2003 to 5 इसमें 3.5 million पीपल गॉट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब इस प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना के अंदर ये जो सारी जो माइक्रो इंटरप्राइजेस थी, उसमें 2003 to 5 में ऑलमोस्ट 3.5 million पीपल क्या हो गए थे, एम्प्लॉयड हो गए थे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, 2003 से 2005 के बीच में 3.5 million पीपल गॉट एम्प्लॉयड अंडर दी स्कीम ऑफ प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ओके, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, इट इज़ कॉल्ड दी SJSRY। अभी आप लोग को ये सारे जो टर्म्स हैं बहुत न्यू लग रहे होंगे, बट अगर आप रियलिटी में देखोगे ना अपनी इकॉनमी में, तो ये सारे जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये जो जनरेट होती हैं, ये सारे ही अभी इम्प्लीमेंट हुए हैं। इसमें बहुत सारे लोग, नंबर ऑफ पीपल क्या हैं, जो हम लोग को पता नहीं चलता है, क्योंकि ये सारे बेसिकली रूरल एरियाज़ और जो लो इनकम फैमिली है, जो अनएम्प्लॉयड हैं, उन्हीं में ही ज़्यादा फाउंड होता है। तो ये क्या कह रहा है, ये क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी है और वेज एम्प्लॉयमेंट भी है। ओके, तो SJSRY मेनली एम्स एट दी क्रिएटिंग दी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, ये जो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है, वो क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करी है फॉर बोथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हैं, एज वेल एज वेज एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल इन अर्बन एरियाज़।
इट इज़ मेंशन हियर आ अर्बन एरियाज़ में क्या आता है ये सेल्फ एज वेल एज वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोग्राम इज़ शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। ठीक है, जो इसका कॉस्ट लगता है इस प्रोग्राम का जो कॉस्ट लगता है अब कोई भी अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है तो डिफरेंट लोन ये सब की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, तो इसका जो भी कॉस्ट लग रहा है इस प्रोग्राम को लॉन्च करने का तो वो स्टेट और सेंटर में क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, दोनों ही क्या करते हैं शेयर करते हैं 75% किसी का कंट्रीब्यूशन का कौन करता है सेंटर करती है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और 25% कौन करता है स्टेट गवर्नमेंट मतलब अगर यूपी की है तो यूपी की, महाराष्ट्र की है महाराष्ट्र की, जो भी कोई स्टेट है उसका 25% कौन करता है स्टेट गवर्नमेंट। ओके, सो इन दिसंबर 1997 टू स्कीम्स अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एंड अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम वर स्टार्टेड अंडर SJSRY। ठीक है, 1997 में क्या हुआ कि जो दो स्कीम्स थी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम वर स्टार्टेड, वो दोनों ही इसके अंडर आ गई स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंदर ही होके वो वर्क करने लगी। ओके, नेक्स्ट वन इज़ स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। नेक्स्ट वन इज़ स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ओके, सो द SHGSY इट इज़ द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। सो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इज़ अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम लॉन्च विद द इफेक्ट ऑफ द April 1, 1999। इट एम्स एट द इनकरेजिंग माइक्रो इंटरप्राइजेज एंड टू ब्रिंग द असिस्टेड पुअर फैमिलीज स्वरोजगारीज अबव द पॉवर्टी लाइन सो बाई ऑर्गेनाइजिंग दैम इन टू द सेल्फ हेल्प ग्रुप SHGs। अर्लियर अंडर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स फाइनेंशियल असिस्टेंस वॉज गिवन टू फैमिलीज और इंडिविजुअल्स, सिंस द 1990 दिस अप्रोच हैज़ बीन चेंज। अंडर दिस प्रोग्राम पीपल हु विश टू बेनिफिट फ्रॉम दिस स्कीम आर इनकरेज टू फॉर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप। Initially, they are encouraged to save more money and lend among the themselves as a small loan. Later, through banks, the government provide partial financial assistance to SHGs, which then decide to whom the loan is to be given for self-employment activity. Okay, इसमें ये कह रहा है कि ये जो सेल्फ स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है। ठीक है, ये कब लॉन्च हुआ था April 1, 1999 में। इसका एम क्या था कि जो भी माइक्रो इंटरप्राइजेस हैं उनको इनकरेज करना, इनकरेजिंग दी माइक्रो इंटरप्राइजेस एंड टू ब्रिंग दी असिस्टेड पुअर फैमिलीज अबव दी पॉवर्टी लाइन और क्या करना ब्रिंग करना जो भी पुअर फैमिलीज हैं उनको अबव दी पॉवर्टी लाइन लेकर आना बाई ऑर्गेनाइजिंग देम इंटू दी सेल्फ हेल्प ग्रुप। उनको कैसे, उनको ऑर्गेनाइज करके, जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप में उनको ऑर्गेनाइज करके उनको क्या करना अबव दी पॉवर्टी लाइन लाना। अर्लियर अंडर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फाइनेंशियल असिस्टेंस वॉज गिवन टू फैमिलीज और इंडिविजुअल। पहले क्या होता था कि इस प्रोग्राम में जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो क्या हुआ था कि एक फैमिलीज और इंडिविजुअल को ही प्रोवाइड होती थी। सिंस दी 1990 से क्या हुआ दिस अप्रोच हैज़ बीन चेंज। ये अप्रोच क्या हुआ चेंज हो गया कि अब इंडिविजुअल और फैमिली को नहीं देना है। अंडर दिस प्रोग्राम पीपल हु विश टू बेनिफिट फ्रॉम दिस स्कीम आर इनकरेज टू फॉर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब इसमें ये बोला गया कि आपको क्या है अगर आप इससे इंटरेस्टेड हो इसमें और आप इसमें बेनिफिट लेना चाहते हो तो दे हैव टू फॉर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप। उनको एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। इनिशियली दे आर इनकरेज टू सेव सम मनी। इनिशियली वो क्या था वो इनकरेज हुए कि सम मनी को वो क्या करेंगे सेव करेंगे एंड लेंड अमंग देम सेल्फ एज अ स्मॉल लोन और एक दूसरों को ही क्या करेंगे वो लोन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, स्मॉल लोन पहले इसमें क्या होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप में कुछ ग्रुप्स बन जाते हैं जैसे 10 और 20 पीपल्स के। अब उसमें क्या है कि वो ग्रुप बना के उसमें
सेविंग करते हैं, और जिस जो भी नीडी होता है उसको वो मनी क्या है विद लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में प्रोवाइड करते हैं। सो लेटर थ्रू बैंक्स द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स पार्शियल फाइनेंशियल असिस्टेंट टू SHGs। फिर बाद में क्या हुआ कि गवर्नमेंट क्या की, गवर्नमेंट प्रोवाइड दी फाइनेंशियल असिस्टेंस, असिस्टेंस भी प्रोवाइड की सेल्फ हेल्प ग्रुप को, विच देन डिसाइड होम द लोन इज़ टू बी गिवन। फिर उसमें क्या हुआ कि वहाँ पे ये डिसाइड होता था कि ये जो लोन है वो किसको दिया जाएगा, फॉर दी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ के लिए। दिस हैज़ नाउ बीन रीस्ट्रक्चर एज दी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। अब उसका नाम वो नया रीस्ट्रक्चर हो गया है, अब उसको क्या बोलते हैं, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। सो अ सिमिलर प्रोग्राम कॉल्ड नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन हैज़ ऑल्सो बीन इन प्लेस ऑफ अर्बन पुअर। ठीक है, ये कहाँ था, ये बेसिकली रूरल एरिया में था, बट अगर अर्बन एरिया में बात करते हैं तो अर्बन एरिया में क्या था, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, रूरल एरिया में क्या था, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, और अर्बन एरिया में क्या था, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन हैज़ ऑल्सो बीन इन प्लेस फॉर अर्बन पुअर। अर्बन में जितने पुअर्स होते हैं, पुअर हैं, उनके लिए ये मिशन और जो डिफरेंट पॉलिस प्रोग्राम्स क्या थे वो लॉन्च हुए थे। ठीक है, तो ये क्या है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज संपूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार, सॉरी रोजगार योजना, सॉरी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। सो दिस स्कीम वॉज लॉन्च विद द इफेक्ट सेप्टेम्बर 2001। ठीक है, ये जो स्कीम थी वो लॉन्च कब हुई थी, लॉन्च उसका स्टार्ट कब हुआ था, सितंबर 2001 में स्टार्ट हुई है। दिस स्कीम एट प्रोवाइडिंग दी वेज एम्प्लॉयमेंट टू पुअर अनस्किल्ड वर्कर इन दी रूरल एरियाज। इसमें क्या है, जो स्कीम है ये प्रोवाइड किसको की है, वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की है तो किसको, पुअर पीपल को, जो दे आर अनस्किल्ड, उनके पास कोई भी स्किल्ड नहीं है, स्किल नहीं है, और वो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। सो दिस प्रोग्राम इनकरेज लेबर इंटेंसिव वर्क। ठीक है, रूरल एरिया में ये जो प्रोग्राम था वो किसको इनकरेज किया है कि लेबर इंटेंसिव, मतलब जो भी काम है वो लेबर के थ्रू होगा, अमंग द रूरल पीपल में हु आर विलिंग टू रेंडर मैनुअल और अनस्किल्ड सर्विसेज। जो इंटरेस्टेड है, विल करता है कि कोई भी मैनुअल और अनस्किल्ड वर्क को करने के लिए, तो ये सारी फैसिलिटीज़, ये सारे वर्क क्या है, लेबर इंटेंसिव होते थे, रूरल पीपल, रूरल एरियाज़ में होते थे, फॉर द रूरल पीपल एंड द वन हु आर विलिंग टू डू दी मैनुअल और दी अनस्किल्ड वर्कर अनस्किल्ड सर्विसेज। सो द कॉस्ट ऑफ प्रोग्राम इज़ टू बी शेयर्ड बिटवीन दी सेंटर एंड द स्टेट। अब इसका जो कॉस्ट आता था ये किसके बीच में शेयर होता था, सेंटर और दी स्टेट, और हमेशा ही सेंटर क्या होती है, समटाइम्स ही ऐसा होता है कि स्टेट ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, बट जो सेंटर होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा ही इसमें कंट्रीब्यूशन करती है, शेयर करती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन और द लास्ट वन ऑफ योर चैप्टर इज टॉपिक इज पॉलिसी और प्रोग्राम इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, दैट इज़ मनरेगा। एज यू ऑलरेडी नो इट इज़ ऑल्सो द वेज एम्प्लॉयमेंट। ओके, ये भी वेज एम्प्लॉयमेंट है। सो द एक्ट वॉज पास्ड इन 2005। ठीक है, ये एक्ट कब था, पार्लियामेंट में जो एक्ट पास होता है वो कब पास हुआ था, 2005 में। एंड स्कीम दैट इज़ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट और दी नरेगा वॉज लॉन्च इन फेब 2006। और ये एक्ट पास हो गया था 2005 में, बट लॉन्च होते थे 2006 में हुआ। द एम ऑफ द एक्ट इज़ टू प्रोवाइड गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड। ठीक है, इसका एम मेन क्या था कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट, वेज एम्प्लॉयमेंट क्या करना है, प्रोवाइड करना है टू एवरी हाउस होल्ड, हर एक हाउस होल्ड को, हुज एडल्ट वॉलंटियर इज़ टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। जिसका कोई भी अडल्ट मेंबर जो है, घर का जो भी एडल्ट मेंबर है, इज़ टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, जो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क कर सकता है उनको क्या था, ये वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो रही थी फॉर अ मिनिमम ऑफ 100 days इन अ ईयर। मतलब एक साल में 100 days के लिए लोगों को काम मिल रहा था,
उनको जो घर का कोई एडल्ट है जो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क को कर सकता है. अंडर दिस एक्ट ऑल दोज अमंग द पुअर हु आर रेडी टू वर्क एट द मिनिमम वेज कैन रिपोर्ट फॉर द वर्क इन एरिया वेयर दिस प्रोग्राम इज़ इम्प्लीमेंटेड. ओके, सो इस एक्ट के अंदर वो ये सारी स्कीम सीन थी कि क्या करना था कि जो कोई भी पुअर हो या कोई इंडिविजुअल हो किसी भी फैमिली का जिसके पास कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं हो, वो क्या है, वो उस मिनिमम वेज रेट के लिए रेडी हो और क्या करना है उसको उस एरिया में रिपोर्ट करना है जहाँ पे ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड है. मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो जिस एरिया में रहता हो वहाँ पे ये जॉब उसको मिली जाए. उसको क्या करना पड़ता है कि उसको किसी और एरिया में स्विच करना पड़ता है. जैसे अभी क्या है, मैं ये कह दूँ कि मैं जिस एरिया में रह रही हूँ वहाँ पे ये यहाँ पे मनरेगा नहीं यूज़, और हमें थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर जाके 5 किलोमीटर जाके पता चलता है कि यहाँ पे मनरेगा इम्प्लीमेंटेड है. तो लोगों को क्या करना पड़ता था, जो नीडी पीपल हैं जो वर्क करना चाहते हैं मिनिमम वेज रेट पे, दे हैव टू रिपोर्ट इन दैट एरिया. वहाँ पे क्या करना होता था, उनको रिपोर्ट करना होता था इन 2013-14. ठीक है, ये जो डेटा कह रहा है कि 13-14 में नियरली 5 करोड़ हाउस होल्ड हैव बीन प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, 13-14 में 5 करोड़ ऐसे हाउस होल्ड थे, मतलब जो ऐसी फैमिली थी जिनको क्या हो गया था, एम्प्लॉयमेंट मिल गया था. दिस एक्ट ऑल्सो इंक्लूड्स नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम. अब इस एक्ट में ये भी क्या था, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम. मतलब इसमें क्या होता था नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम में, कि आप काम करोगे तो आपको खाना मिलेगा. नेशनल फूड फॉर वर्क मतलब फूड फॉर वर्क मीन्स आप काम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, खाने के लिए लोग क्या करते थे, काम करते थे. सो इट इज़ 100% सेंट्रली फाइनेंस्ड एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, अब इसमें कोई भी सेंटर का सॉरी स्टेट का कोई भी कंट्रीब्यूशन शेयर नहीं होता था. ये 100% इसको कौन करता था, सेंट्रली फाइनेंस प्रोग्राम थे कि सेंटर ही इसको क्या करती थी, पूरा इसका फाइनेंस कौन करता था, सेंट्रल करती थी. इम्प्लीमेंटेड इन 150 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री. ठीक है, और ये 150 बैकवर्ड जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे ये क्या है, इम्प्लीमेंटेड है ऑफ द कंट्री टू जनरेट दी वेज एम्प्लॉयमेंट. ओके, बेसिकली क्यों है कि वेज एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए ये 150 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में क्या है, ये इम्प्लीमेंटेड है. ओके, सो इट्स ऑल अबाउट योर 7th चैप्टर, दैट इज एम्प्लॉयमेंट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल we should recapitulate that what we have studied in this chapter. Okay, so we have start with the meaning or the introduction of the employment, what is why we needed employment and how the country has been growth and what is the role of informal and the formal sector. So we have discussed the basic concept which is needed to understand the employment. So first of all is GDP, that is gross domestic product. Second one is economic activities. Third is workers. And fourth one is what we have discussed, labor force and the workforce. Fifth one is employment. And sixth one is rate of unemployment. Okay, after that we have discussed the participation of people in the employment, how many people are participated in employment. So in this we have discussed the worker population ratio, as well as we also studied the distribution of employment in their according to their gender, region, or from which region they belong, that is they are from urban or the rural. Gender mean from male, they are from male or the female, and the different sector, that is whether they belong to primary sector, secondary sector or the tertiary sector. Distribution, okay, we have already discussed. And the next topic what we have discussed, that is growth and changing structure of employment. Okay, what are the different growth, ki jo bhi employment ka changing kaise structure change ho raha hai. So in which we have discussed the growth of employment and the growth of the GDP. okay, and next what we have discussed, that is informalization of the Indian workforce. ठीक है, जो इंडियन वर्कफोर्स है उसका कैसे इनफॉर्मलाइजेशन हो रहा है, मतलब कैसे लोग ज़्यादा, क्यों लोग ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर पे और ज़्यादा मूव और शिफ्ट होते जा रहे हैं. सो इसमें वी हैव डिस्कस द टू टाइप्स, स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन फॉर्मल और ऑर्गेनाइज सेक्टर और द इनफॉर्मल और द
unorganized sector, as well as we have discussed the new topic, that is what is unemployment. So next is types of the unemployment, in which we have discussed the unemployment is of three categories, that is rural employment, urban employment, and the other types of unemployment. So in rural employment we discussed the disguised unemployment, seasonal unemployment. In urban unemployment we have discussed the educated unemployment, industrial unemployment, and in the other types of unemployment we have discussed the open unemployment, under unemployment, structural unemployment, frictional unemployment, and the cyclic unemployment. As well as we have also discussed the what are the different causes of increasing the unemployment in India. So first one is population explosion, low rate of economic development, low level of development in agriculture, low level of industrial development, lack of vocational and technical education, low level of capital formation, immobility of labor, and the joint family system. In next topic we have discussed the what are the effect and the consequences of the employment in India. So in which we have discussed the two, economic effect and the social effect. So in the economic effect, first one is fall in production and the income, low level of saving and investment, poverty. And social effect mein, we have discussed the low level of standard of living, inequality in the distribution of income, social unrest. And next topic we have discussed the what are the suggestions to solve the problem of unemployment. So first one is increase in growth rate of GDP, population control, development of the agriculture sector, education sector reform, financial helps to self-employed workers, infrastructural development, and implementation of the employment program. And last topic of this chapter we have discussed the government policies and programs in the employment generation. So direct effort and the indirect effort, what are the different special measures undertaken by the government to solve the unemployment, we have discussed, that is rural employment generation program, Prime Minister Rozgar Yojana, Swarn Jayanti Shahri Rozgar Yojana, Swarn Jayanti Gram Swarojgar Yojana, Sampurna Gramin Rozgar Yojana, and last is Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. Okay, so in this chapter we have discussed all these points. So in next class we will start the new chapter of your Indian economic development. Okay, thank you.